अपने अपने स्तर पर अपने अपने तैयारी में जुटी है। हमने पहले भी इस विषय पर पहल किया था और ये दूसरा प्रयास है और मुझे लगता है कि आज की जो हालात हैं उस हालात में थोड़ा प्रयास ज़्यादा करने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस दौर में दूसरे दौरे में हम लोग राज्य सरकार के लिए कुछ तोहफा ला सकें, राज्य सरकार के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, लोगों को उद्योग घरानों को हम लोग यहाँ लाने में सक्षम हो सकें, ये प्रयास विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से। सर कई ऐसे इंडस्ट्री है सर जो कि बंद हो चुके हैं यहाँ राज्य में, जो पहले कभी यहाँ के लिए शाम की बात हुआ करता, तो उसको फिर से चालू करने को लेकर भी कवायद की? नहीं, वो सारी चीजों पर चल रहा है। आप देखिए यहाँ फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, वो भी फिर से चलाने की तैयारी चल रही है। कई ऐसे जो हमारे बंद उद्योग हैं जो चलने लायक हैं और उसमें क्या छोटी मोटी अगर अड़चने हैं उसको दूर करने की सरकार की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से सरकार अदा करेगी और हमारा प्रयास है कि वो सारे जो बंद हैं, जो बिल्कुल ही नहीं चलने वाले हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए, जो चलने की स्थिति में है उसको चलाया जाए। इसको हमारा सरकार ने बिल्कुल इस दिशा में आगे काम कर रही है। दादा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है जो एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे स्टेशन इस तरह के तमाम राज्य है उसको लीज पर देने का जो फैसला है, इसको क्या मानते हैं? ये क्या फेल है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। नेशनल मोनेटाइजेशन का जो भारत सरकार का निर्णय है, आप देखते जाइए कि केंद्र सरकार के करनी और कथनी में फर्क बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखेगा और इस विषय पर पूरी चीजों को अभी तो खबरों के माध्यम से चीजें आई हैं, क्या क्या चीज अंदर खाने हैं, क्या क्या इसके पीछे हिडन एजेंडा है, क्या क्या वास्तविकता है और क्या क्या भ्रम है, उन सब विषय पर हम लोग समय बात आप लोग कैसे लगा था मालूम है।